पिंकी और शानो शौकत। एक दिन बाजार में वह सामने खड़े साहब ऊंचे व्यक्तित्व के लगते हैं, जाकर जरा उनसे गपशप की जाए। लेकिन वह अजनबी हैं, उनसे बातचीत कैसे शुरू की जाए। उनको खाने के लिए बादाम भेंट करूंगी। पिंकी उस अजनबी के पास पहुंचती है। लीजिए जनाब, बादाम खाइए। नहीं। क्यों, क्या नाराज हैं? नहीं। तो फिर आप इतनी नायाब चीज से क्यों इनकार कर रहे हैं? मेरे दांत नकली हैं, सच चीज खाना मना है। मैं एक बात कहूँ? कहो। आपकी रौबिली मूछे मुझे बहुत पसंद है। वह आदमी अपनी मूछे निकाल देता है, ये उधार की हैं। इन मूछों से शान बढ़ती है, इसलिए इन्हें लगा रखा है। वैसे आपके घुंघराले घने बाल भी कम खूबसूरत नहीं, इन्हें टोपी पहनकर क्यों छुपा रखा है आपने? वह आदमी अपनी टोपी उतारता है। काश मेरे घने बाल होते तो मुझे यह कम्बक टोपी ना पहननी पड़ती। क्या आप यह काला चश्मा हमेशा पहनते हैं? हाँ। क्यों? यह भी एक राज की बात है। ठहरो, मुझे पहले देख लेने दो, कोई आसपास तो नहीं। वह आदमी दाएं बाएं नजर डालता है और अपना चश्मा उतार देता है। मैं एक आंख से काना हूँ। तभी ओफो, आज कितनी गर्मी है। फिर भी आप गर्म कोट पहने हुए हैं। अंकल, आप कोट उतार क्यों नहीं देते? अब यह राज भी तुझे बताना पड़ेगा। वह आदमी अपना कोट उतारता है। यह कोट मेरी फटी कमीज को ढकता है, समझी? कमाल है। पिंकी वापस चल देती है। सब कुछ जानकर अब कहाँ चली? अपने कैमरे से मेरा एक फोटो तो खींचती जाओ। अगर यह कैमरा असली होता तो मैं आपका फोटो जरूर खींचती। यह खिलौना है। है?